हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। तो जतिन सिंह ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, उनका एक डाउट है जिसे मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा है, सर आई हैव अ डाउट ऑन एंटी मलेरियन फैक्टर सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स एंड हाउ इट वर्क ऑन द मी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं छोटी सी वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने की बात करते हैं। तो यहाँ हमें डिस्कस करना है मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर के बारे में, जिसे हम यहाँ लिख रहे हैं MIF। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मलेरियन हार्मोन, एंटी मलेरियन हार्मोन। तो ये बात कंफर्म हो गई है, ये हार्मोन है। और जब भी कोई हार्मोन होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हार्मोन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये भी आपका प्रोटीन का बना हुआ होता है। एक प्रोटीन होती है जो डाइमेरिक फॉर्म के अंदर होती है, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर प्रोटीन होती है, जिसे हम बोलते हैं डाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन। और ये डाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन बनती है दो ग्लाइकोप्रोटीन के आपस में जुड़ने से, जहाँ पर जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका मेन काम की बात करते हैं, कैसे काम करता है, इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है बाय सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और वी नो दैट सर्टोली सेल इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल, मेल बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होता है उससे आपके रिलीज होते हैं सर्टोली सेल्स। दो टाइप की सेल्स आपने सुनी होंगी, लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, जहां लीडिंग सेल का काम होता है एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन। और यहां पर जो डिस्कस करा गया है वो सर्टोली सेल की, कि सर्टोली सेल के अंदर आपका एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं AMH, एंटी मलेरियन हार्मोन। और इसका काम होता है कि ये रिग्रेस करता है, रिग्रेशन ऑफ द मलेरियन डक्ट, मलेरियन डक्ट्स। अब ये बात आती है कि ये मलेरियन डक्ट्स होती क्या हैं और ये किसे रिग्रेस कर रहा है, ये मलेरियन डक्ट को कैसे रिग्रेस करता है, और आपको इसके बारे में समझना है किस तरीके से होता है। तो इसके लिए सिंपल सी कहानी है कि जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक जब चल रहा होता है गेस्टेशन का, गेस्टेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो गेस्टेशन का जो 6 वीक चल रहा होता है, उस 6 वीक में एक जीन आपकी एक्टिव होती है, जीन एक्टिविटी जिसका नाम है SRY, कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल Y, ठीक है। तो SRY एक जीन एक्टिवेट होती है जो एक्सप्रेस होती है, आपकी एक्सप्रेस्ड होगी किससे, Y क्रोमोसोम से। ये Y क्रोमोसोम से एक्सप्रेस होगी और इसके एक्सप्रेस होने की वजह से ये इनिशिएट करेगी, इसको इनिशिएट करती है, ये इनिशिएट करती है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। यहां लिखता हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, ये इनिशिएट करेगी फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस को। और इस फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस की वजह से 3 टाइप की चीजें या बेसिकली हॉर्मोन्स निकलेंगे। एक निकलेगा फैक्टर MIF, जिसे हमने बोला है मलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर, और यू कैन से एंटी मलेरियन हॉर्मोन, ऑल्सो कॉल्ड AMH। इसके साथ में निकलता है टेस्टोस्टेरोन और साथ में रिलीज होता है एक और आपका फैक्टर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन लाइक फैक्टर, इंसुलिन लाइक फैक्टर। और ये इंसुलिन लाइक फैक्टर, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन लाइक फैक्टर 3। ये तीनों के तीनों आपके कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं मेल सेक्स डिफ्रेंशिएशन को, सेक्स डिफ्रेंशिएशन को, मेल सेक्स डिफ्रेंशिएशन को। तो इस तरीके से आपका काम होता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर रिपीट कर दूं कि 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड चलेगा, जिस पीरियड में एक SRY जीन है, और ये SRY जीन जो है ये आपकी एक्सप्रेस होती है किससे, वाई क्रोमोसोम से। इसके एक्सप्रेस होने की वजह से इनिशिएट होता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस के बनने की वजह से 3 हार्मोन निकलते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लाइक फैक्टर। और ये तीनों के तीनों फैक्टर कंट्रोल करते हैं सेक्स डिफरेंशिएशन को, मेल सेक्स डिफरेंशिएशन को। अब ये काम पूरा होता कैसे है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो असल में जब सर्टोली सेल, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे, वरना मैं इसे आसानी से बड़ा भी कर सकता था। तो सर्टोली सेल की अगर हम बात करें, ये सर्टोली सेल आपका सिक्रीट करेगा MIF, और यू कैन से AMH, MIF मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर और
एंटी मलेरियन हार्मोन, और ये इंड्यूस करेगा रिग्रेशन ऑफ कौन सी डक्ट थी, मलेरियन डक्ट। जैसा कि मैंने बताया अभी, मलेरियन डक्ट को ये रिग्रेट करेगा, वो रिग्रेस करेगा। इस मलेरियन डक्ट के लिए हम यहाँ पर दूसरा नाम भी यूज करते हैं कभी कभी, इसे हम बोलते हैं पैरा मीजो नेफ्रिक डक्ट, और इसको रिग्रेस करेगा। और यही MIF आपका प्रिवेंट करेगा, इसका रिग्रेशन कैसे हो रहा है ये बता रहा हूं मैं, कि यहां पर प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया, यानी ये फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से फीमेल पार्ट अब उसके अंदर डेवलप नहीं होगा। क्योंकि जो मलेरियन डक्ट है, जिसने भी हमने बात करी भी यहाँ थोड़ी देर पहले, ये जो मलेरियन डक्ट है, ये मलेरियन डक्ट लीड करती है कुछ चीज़ों को, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब यूट्रस वेजाइना, इन सब चीज़ों को बनाने में इसका मेन रोल होता है। तो अगर मलेरियन डक्ट रहती है तो वो इन चीज़ों में बनेगी डेफिनेटली। हमें किसी तरीके से इसे क्या करना है, मलेरियन डक्ट को मतलब स्टिमुलेट होने से रोकना है, और इसको रोकने का काम ही होता है MIF या AMH का, एंटी मलेरियन हार्मोन का। और जैसे ही एंटी मलेरियन हार्मोन आपका निकलता है तो उसकी वजह से ये रिग्रेस हो जाता है, और रिग्रेस होने की वजह से ना ही फैलोपियन ट्यूब बनती है, ना ही यूट्रस और ना ही वजाइना। इन द सेम टाइम यहाँ पर LH की वजह से वर्क फंक्शन होता है लीडिंग सेल पर, LH की वजह से लीडिंग सेल पर फंक्शन होता है, और उस लीडिंग सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है स्टेबलाइज करना मेल कैरेक्टर को, जिसकी वजह से मेल पार्ट ग्रो करते हैं। अब उन मेल पार्ट ग्रो करने के पीछे भी आपकी कोई ना कोई डक्ट होगी, जिस तरीके से फीमेल पार्ट की, अभी मैंने बताया कि मलेरियन डक्ट होती है जो बनाती है फैलोपियन ट्यूब को और अदर पार्ट्स को, इसी तरीके से मेल कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं मीजो नेफ्रिक डक्ट से, मीजोनेफ्रिक डक्ट से। तो याद रखना, फीमेल के अंदर के रोकने का था पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, और यहां पर है मीजोनेफ्रिक डक्ट, और इस मीजोनेफ्रिक डक्ट की वजह से डेवलपमेंट होगी मेल पार्ट्स की, जैसे कि उसमें हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और साथ में जितने भी डक्ट्स होती हैं, जैसे कि वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, तो इन सब का डेवलपमेंट होता है, और इस तरीके से मेल सेक्स डोमिनेंट होता है, और डोमिनेंट होगा ही वैसे भी फर्स्ट क्रोमोसोम, जैसे आपने मालूम है कि वाई क्रोमोसोम गया था, सारी कहानी अगर आप शुरू से देखें तो यहाँ से ही मालूम पड़ती है कि भाई वाई क्रोमोसोम गया था, कहाँ लिखा था मैंने कि यहाँ पर देखिए 6 weeks ऑफ गेस्टेशन, अब जायगोट का टाइम पे ही तो पहले ही क्रोमोसोम डिसाइड हो जाता है भाई, फर्स्ट टाइम जब मिला होगा आपने सेक्स इंटरमेशन पढ़ाया XXXY वाली केस में, तो जब XY आया होगा तो यहीं पे कंफर्म हो गया था। लेकिन काम हुआ कैसे कि फीमेल करेक्टर को, जो एक्स का फीमेल करेक्टर, से रोका कैसे गया, तो उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है एंटी मलेरियन हार्मोन की। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उस पर जल्द ही वीडियो बना के आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।